वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जिससे पहला पॉइंट्स है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। यानी क्वेश्चन इसमें एक नंबर का क्या आ सकता है, विच कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आंसर है एसेसरी डक्ट्स। फिर इसी तरह से सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर असेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। यानी इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वैस डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये असेंशियल हैं फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये लिखते रहना आप क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखो व्हाट इज सीमन, यहाँ लिखो एक क्वेश्चन व्हाट इज सीमन। सीमन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। सेमिनल प्लाज्मा क्या है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, जिसमें क्या होता है, हैविंग फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड। वो हमने बता दिया ऊपर। अब नेक्स्ट है, द फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यानी इनके फंक्शंस को, इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं। नेक्स्ट ये है भी, हाउ मैनी स्पर्म्स, यहाँ लिख लें क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड एट वन टाइम बाय द मेल। ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स एट वन टाइम ड्यूरिंग क्वेटस। देन हाउ मच स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप फॉर फर्टिलिटी। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। 40% में मोटिलिटी होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ऊजेनेसिस, उसको मैंने क्वेश्चन रूप में लिखा है। देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऊजेनेसिस, ये मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये समझना है भी ऊजेनेसिस है क्या। ऊजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा। ऊजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग, ऑफ ओवा और एग, इसकी फॉर्मेशन को हम ऊजेनेसिस कहते हैं। कहाँ पर होती है, इट टेक प्लेस इन द ओवरी, ओवरी के अंदर होती है। अब अगर हम देखें, अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं, ह्यूमन फीमेल के अंदर एग बनना जो है, जो प्रक्रिया है एग की, दैट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। एम्ब्रियो के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियो यानी व्हेन द एट फ्रॉम द टाइम व्हेन द फीटस इज इन द मदर बॉडी, जब मदर बॉडी में होता है यंग वन, तभी से ये ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और लगभग अगर हम देखें इसमें, लगभग 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब क्या है, दैट इज़ अबाउट 2 मिलियन यानी 20 लाख, 2 मिलियन 20 लाख जो ऊगोनिया बन जाते हैं। ऊगोनिया दे आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऊगोनिया क्या है, दीज आर द गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल यानी गैमीट बनाने वाली सेल, इतनी सेल एक एम्ब्रियो में बन जाती हैं, गैमीट मदर सेल्स एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब ये कह लो कि फीटस जो होता है, फीटस की ओवरी में, फीटस क्या होता है, व्हेन द यंग वन इज़ प्रेजेंट इन द मदर बॉडी, जब यंग वन मदर बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको फीटस बोलते हैं। फीटस के अंदर 2 मिलियन ऊगोनिया या गैमीट मदर सेल्स बन जाती हैं, और उसके बाद बर्थ होने के बाद कोई ऊगोनिया नई नहीं बनती, नई ऊगोनिया ऐड नहीं होती, तो इसलिए बस पहले ही बन गई है, जन्म से पहले जितनी ऊगोनियाँ बननी हैं। फिर इनमें से जैसे ये ऊगोनिया है, मान लो सपोज दिस इज़ द ऊगोनिया, ऊगोनिया इज़ डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होगी,
मैंने बताया अभी इनमें शुरू में क्या है, मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन ये बर्थ से पहले हो रही है, 2 मिलियन बननी है और ओगोनिया बन गई, दीज आर आल्सो कॉल्ड ओगोनिया। अब इनके अंदर ये भी डिप्लोइड हैं, डिप्लोइड का मतलब क्या है, अभी इनके अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। अब इन ओगोनिया में से कुछ सेल्स के अंदर, एक्चुअल में तो ये प्राइमरी प्रोफेज वन में जाकर इनमें मैचुरेशन डिवीजन शुरू हो जाती है, कुछ सेल जो हैं बड़ी हो जाती हैं और इनमें मैचुरेशन डिवीजन शुरू हो जाती है। मतलब मैचुरेशन डिवीजन क्या है, मीओसिस शुरू हो जाती है और दे स्टॉप एट द प्रोफेज वन स्टेज। मीओसिस में देखो अगर हम देखें, दो डिवीज़न होती है, मीओसिस वन एंड मीओसिस टू। मीओसिस वन में भी आगे चार फेज़ हैं, मीओसिस टू में भी आगे चार फेज़ हैं, ये हमने पैरेलल्स वन में पढ़ा हुआ है। प्रोफेज़ वन मीओसिस वन के चार फेज़, प्रोफेज़ वन, मेटाफेज़ वन, एनाफेज़ वन, टीलोफेज़ वन। इसी तरह से मीओसिस टू में भी प्रोफेज़ टू, मेटाफेज़ टू, एनाफेज़ टू एंड टीलोफेज़ टू, ये चार चार डिवीज़न होती हैं। तो प्रोफेज़ वन में इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट, थोड़ा साइज बढ़ गया और ये भी डिप्लॉयड है, थोड़ा साइज बढ़ गया और ये स्टेज जो है दैट इज अरेस्टेड, स्टेज अरेस्टेड एट प्रोफेज वन स्टेज, प्रोफेज वन स्टेज उसमें रुक जाती है, डिवीजन शुरू हो गई लेकिन रुक गई प्रोफेज वन स्टेज के अंदर। अब क्या होता है, ये प्राइमरी ओसाइट, देखो मैं इसको साथ साथ लेके चलता हूँ, जैसे सपोज दिस इज, मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है ओवरी, ओवरी में यहाँ पर क्या है, दिस इज द जर्म सेल्स या ओगोनिया सेल्स हैं, ओगोनिया। इन ओगोनिया में से एक सेल ये अलग हो गई, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट, ये जो अभी हमने बनाई। इट गेट सराउंडेड बाय, ये इसके चारों तरफ कुछ सेल जो हैं ओगोनिया की, ये यहाँ से सराउंड कर लेती हैं इसको, इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स, दीज आर कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स, ये ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं इनको, ग्रैनुलोसा सेल्स, फोलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये बीच में प्राइमरी ओसाइट है और इस स्टेज को, ये जो पूरी की पूरी स्टेज है ये, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल। ये प्राइमरी फोलिकल जो हैं बर्थ के बाद जो कितने थे, दे आर, मैंने अभी बताया था ऊपर, 2 मिलियन। ये प्राइमरी फोलिकल ये डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, इतने 2 मिलियन प्राइमरी फोलिकल बन गए। अब ये डिक्रीज होने शुरू होते हैं और बर्थ के टाइम में जब बर्थ होता है यंग वन का, ये 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट रह जाते हैं बॉडी के अंदर, प्राइमरी ओसाइट लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी जब वो मैच्योर, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ इतने थे 2 मिलियन, लेकिन इसके बाद ये डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होता है, प्यूबर्टी आती है, उस टाइम 60,000 से 80,000 उसके अंदर ये रह जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, इस प्राइमरी फोलिकल में क्या होता है, इसमें और इसको सेल्स सराउंड कर लेती हैं। अभी तो एक लेयर थी इस तरह से, देयर वॉज वन लेयर, ये तो प्राइमरी फोलिकल है, लेकिन और सेल्स इसको सराउंड कर ली इस तरह से, और सेल्स दे गेट सराउंडेड, इस तरह से और सेल्स सराउंड कर लेंगी लाइक दिस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बाकी और कोई इसके अंदर नहीं हुई, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल, ये बन गई, देखो ये और सेल्स ने इसको सराउंड किया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। पहले देखो सिर्फ एक लेयर थी बाहर, अब काफी सारी लेयर बन गई और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोलिकल। और सेकेंडरी फोलिकल में ये बीच में क्या पड़ा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट, जो बड़ी सेल पड़ी है, प्राइमरी ओसाइट।
अब क्या होता है, इस प्राइमरी ऊसाइट के अंदर ये जो सेल्स हैं इनके बीच में स्पेस अपीयर हो जाता है। देखो कैसे होगा, स्पेस अपीयर, यानी ये बीच में से स्प्लिट हो गई। दिस गेट स्प्लिटेड फ्रॉम द सेंटर और एक स्पेस अपीयर हो गया बीच में, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एंट्रम। इस स्पेस को हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम काफी दो तीन लेयर्स बन जाएंगी बाहर भी लाइक दिस। अब इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टर्शरी फोलिकल। इसको हम टर्शरी फोलिकल कहते हैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड टर्शरी फोलिकल। यहां पर जब ये सेकेंडरी फोलिकल बनता है इसमें दो लेयर भी डिस्टिंक्ट हो जाती हैं बाहर वाली साइड में। मैं बना दूं अगर बनाना चाहें तो, जैसे दो लेयर, बस एक ये अंदर वाली लेयर, ये बन गई अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर जो है सबसे बाहर एक लेयर ये, और इसके बाहर भी एक, इसलिए मैंने इसमें इसको अंदर वाली बोल रहा था क्योंकि इसके बाहर भी एक लेयर बन जाएगी ये। दीज आर कॉल्ड थीका लेयर्स, इनको हम थीका लेयर्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी फोलिकल के टाइम इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इसको हम बोलते हैं इससे अंदर वाली को थीका इंटरना। ये दो लेयर इस टाइम, ये यहाँ भी हैं, अब बनाऊंगा नहीं, इतना हो गया। तो दिस आर टर्शरी फोलिकल। इस टर्शरी फोलिकल में ये जो प्राइमरी प्राइमरी ऊसाइट थी, नाउ इट अंडरगो डिवीजन, इसके अंदर मियोसिस वन हो जाएगी। अब मियोसिस वन हो जाएगी, क्या होगा एक, लेकिन ये अनइक्वल होगी डिवीजन, एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये यहां हो रहा है, यहां पर हुई है ये डिवीजन, यहां पर हुई, यहीं बनेगी ये फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये सेकेंडरी ऊसाइट बन जाती है, और बस नाउ ये ग्राफियन फोलिकल, जो टर्शरी ग्राफियन फोलिकल है, जब ये इसके अंदर ये डिवीजन हो गई, इस तरह की डिवीजन, इस टर्शरी फोलिकल को हम कहते हैं ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है। दिस इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। और इस टाइम क्या होता है, जो सेकेंडरी ऊसाइट है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और इस स्टेज पर ये सेकेंडरी फोलिकल फट जाता है, फटने के बाद इसमें से ये एग इन सेल सहित बाहर निकल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो हम ध्यान रखें ओवुलेशन के दौरान क्या क्या था, एक सेकेंडरी ऊसाइट थी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी दो चीज़ें रिलीज होती हैं, सेकेंडरी ऊसाइट एंड वन पोलर बॉडी। तो ये हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर इसमें जो यूजली क्या होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डीजनरेट कर जाती है, लेकिन कुछ केसेस में आगे ये डिवाइड भी हो जाती है, हम पढ़ेंगे। इसके अंदर मियोसिस टू भी होनी है, लेकिन इसके अंदर मियोसिस टू कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा इन द ओवरी। ये है ऊजेनेसिस, एक नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद ये डिटेल में, ऊजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मैंने बताया एम्ब्रियोनिक यानी जब बच्चा जो है मदर बॉडी में होता है, तभी ए कपल ऑफ मिलियन, कपल ऑफ मिलियन यानी 2 मिलियन गैमीट मदर सेल यूगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटल मैंने बताया था, जब यंग वन बॉडी में होता है उसको फीटस बोलते हैं। नो मोर यूगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई यूगोनिया एड नहीं होगी। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड अरेस्टेड इन द प्रोफेज वन, ये सारी प्रोफेज वन में डिवीजन रुक जाती है,
कॉल्ड प्राइमरी ऊसाइट, उनको हम प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। ईच प्राइमरी ऊसाइट गेट सराउंडेड बाई लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फोलिकल। ये देखो, ये मैंने बताया था भाई, ये जो है दी सेल गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फोलिकल। फिर फर्दर और सेल्स सराउंड कर लेती हैं इसको काफ़ी सारी, और फिर इसका नाम पड़ जाता है सेकेंडरी फोलिकल। और सेकेंडरी फोलिकल में एक बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटर्ना, उससे अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फोलिकल डिजनरेट, काफ़ी डिजनरेट हो जाती हैं। ये भी मैंने बता दिया था तुम्हें भी, सिर्फ 60,000 रह जाती हैं ये, ठीक है। ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी बर्थ के बाद डिजनरेट होनी शुरू होती है। आउट ऑफ 2 मिलियन गोनिया ओनली 60,000 to 80 प्राइमरी फोलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी, ये मैंने पहले बता दिया था। द प्राइमरी फोलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर, अभी बताया मैंने, ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका सेल्स और नई थीका सेल बन जाती हैं। दो बताया, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, यहाँ नहीं लिखा, एंड कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल। देन इसके अंदर एक कैविटी अपीयर हो जाती है एंट्रम, फिर इसको बोलते हैं टर्शियरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फोलिकल विच हैव फ्लिड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इन टर्शरी फोलिकल द थीका गेट ऑर्गेनाइज इनटू एन आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना, ये मैंने पहले बता दिया तुम्हें। इट इज एट दिस स्टेज द प्राइमरी ऊसाइट विद इन द टर्शरी फोलिकल ग्रो इन साइज। अब जो प्राइमरी ऊसाइट है, ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, ये बीच वाला, ये साइज में ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा टू गिव राइज फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी ऊसाइट एंड फर्स्ट पोलर, ये डिवाइड करेगा टू गिव राइज टू सेकेंडरी ऊसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। लिखा है एट दिस स्टेज द प्राइमरी ऊसाइट विद इन टर्शरी फोलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। इन टर्शरी फोलिकल ऊसाइट कंप्लीट इट्स म्यूसिस वन एंड फॉर्म लार्जर सेल कॉल्ड सेकेंडरी ऊसाइट एंड स्मॉलर सेल कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये लार्जर सेल कॉल्ड सेकेंडरी ऊसाइट एंड स्मॉलर कॉल्ड फर्स्ट पोलर। सेकेंडरी ऊसाइट रिटेन मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ऊसाइट, ज़्यादातर सारा न्यूट्रिएंट सेकेंडरी ऊसाइट में ही रह जाता है, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइट बड़ी सेल है, सारा मटीरियल इसमें आ गया, इसमें तो थोड़ा सा गया, सिर्फ न्यूक्लियस गया। नाउ टर्शरी फोलिकल हैविंग सेकेंडरी ऊसाइट चेंजेज इनटू मैच्योर फोलिकल कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल। अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर पड़ा है, इस ग्राफियन फोलिकल को हम मैच्योर ग्राफियन फोलिकल कहते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी ऊसाइट इन द ग्राफियन फोलिकल फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, इसके अंदर एक नई लेयर बन जाती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ग्राफियन फोलिकल नाउ रप्चर, वो रप्चर हो जाती है टू रिलीज द सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। इसमें से ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाता है और इसको ओवुलेशन कहते हैं। दस ड्यूरिंग ओवुलेशन वन सेकेंडरी ऊसाइट एंड वन पोलर बॉडी इज रिलीज्ड, ये रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे, थैंक यू। याद करें इसको और नोट्स बनाएं, ना समझ में आए तो पूछ लें। थैंक्स।